और मसाने के बीच के रास्ते में चोट लग गई है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्चर। पेशेंट को पेशाब करने में डिफिकल्टी आ रही है, ये दूरबीन जाएगी पेशाब के रास्ते के अंदर। ये देखिए पेशाब का रास्ता है, अब यहाँ इसको चोट लगी है। तो जब लगती है चोट तब होता है स्ट्रिक्चर। आप देखेंगे ये ब्लैडर है, पेशाब का रास्ता है, ये पेशाब का रास्ता है जो बाहर पेशाब है, और मसाने के बीच के रास्ते में चोट लग गई है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्चर। ये क्लासिकली स्टर्नल इंजरी में होता है, जैसे आपने देखा कोई भी ऐसी चोट जिसमें यहाँ डायरेक्ट पे चोट लगे इससे दब जाता है। अब दबने की वजह से इस पेशेंट को पेशाब करने में डिफिकल्टी आ रही है, ये यूरिन नहीं पास कर पा रहा है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम दूरबीन से इस स्ट्रिक्चर को खोलेंगे जिसको ओआईयू बोलते हैं। तो आइए मैं आपको सर्जन दिखाऊँ। ओआईयू दूरबीन में बेसिकली है कि एक कटर है, ये दूरबीन जाएगी पेशाब के रास्ते के अंदर। ये होता है कैमरा जो कनेक्टेड है सामने स्क्रीन से, और हम देखेंगे अंदर जाते हुए। और जब हम पहुंचेंगे स्ट्रिक्चर तक आप देखेंगे ये चाकू, इसे बोलते हैं कोल्ड नाइफ। इस कोल्ड नाइफ से हम स्ट्रिक्चर को कट कर देंगे, कट करके रास्ता खोल देंगे ताकि पेशेंट को पेशाब खुल के आए। ये कोल्ड नाइफ ओआईयू है, अगर इसकी जगह हम लेज़र फाइबर लगाएं उसको लेज़र ओआईयू बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। पर क्योंकि ये स्ट्रिक्चर बहुत सॉफ्ट है, बहुत छोटा है, तो इसमें हम कोल्ड नाइफ या शार्प कटिंग ओआईयू से सर्जरी करेंगे। तो ये है पेशाब रास्ता खोलने की दूरबीन। और आइए सामने स्क्रीन पर दिखाओ अंदर हमें क्या मिलने वाला है। तो ये है, पानी चालू हो गया और अब हम इसके नहीं जाएंगे। जैसे आपने देखा था ये अंदर का रास्ता तो देखो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ चोट लगी है वहीं पर रास्ता डैमेज होगा। ये देखिए रास्ता बिल्कुल ओके है, अब यहाँ इसको चोट लगी है। एक बार फिर से हम देखेंगे तो वही रास्ता बिल्कुल ही दब गया है। ये देखिए पेशाब का रास्ता है। खराब था बीच में और अब हम सही रास्ते में आ गए। ये है जहाँ से आदमी का होता है प्रोस्टेट, और ये है ब्लैडर, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पेशाब की थैली। रास्ता खोल चुका है, इसमें मिल्की डाल के छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए ताकि पेशेंट जो है वो आराम से पेशाब कर सके। हमने देखा हमने दूरबीन से इजीली स्ट्रिक्चर खोल दिया, और अगर आप भी अपना स्ट्रिक्चर खुलवाना चाहते हैं इजीली, ये पेशेंट एक बहुत नामी इंस्टीट्यूट एक एम्स से आया है। एम पे इतनी भीड़ होती है कई बार कि छोटी सर्जरी के लिए भी टाइम नहीं पता। यंग पेशेंट है, आप पूछिए कि उसको 1.5 महीने से ये छोटी सर्जरी के लिए वेट करा देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो इस सर्जरी को कराइए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इसको करा के अपने पेशाब को ठीक करिए, और किसी भी यूरोलॉजी से करा सकते हैं। और आप आना चाहें तो दिल्ली में मेरे पास ये सर्जरी कॉमनली होती है, रेट्स भी बहुत इकोनॉमिकल है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना ओआईयू करा के पेशाब का रास्ता खुलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।